थिएटर के बाद ओटीटी पर रिलीज हुई सलमान खान की टाइगर 3 जानिए कहां हो रही है स्ट्रीम। अगर आपने सलमान खान और कैटरीना कैफ की स्पाई थ्रिलर टाइगर 3 थिएटर्स में मिस कर दी है या फिर आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिल्म थिएटर्स के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे चुकी है। हाल ही में अनाउंसमेंट की गई फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। थिएटर्स में चला था टाइगर 3 का जादू। मनीष शर्मा निर्देशित टाइगर 3 12 नवंबर 2023 को दिवाली के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने शानदार ओपनिंग की थी। फिल्म 5 हफ्तों तक सिनेमाघरों में रही और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 285 करोड़ रुपये बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक का बिजनेस किया है। थिएटर्स में धुआंधार कमाई के बाद अब फिल्म ओटीटी पर कदम रखने जा रही है। कहाँ रिलीज होगी टाइगर 3? शनिवार को अनाउंस किया गया कि आखिर सलमान खान की टाइगर 3 ने किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दी है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक द टाइगर और टाइगर जिंदा है की तरह टाइगर 3 ओटीटी प्लेटफॉर्म में अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। थिएटर्स के बाद अब ओटीटी पर टाइगर का खतरनाक एक्शन दिखाई दे रहा है। हिंदी के अलावा आप इस फिल्म को तमिल और तेलुगु में भी देख सकते हैं। टाइगर 3 में हुआ था शाहरुख का कैमियो। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा की तरह तीसरी किस्त भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इस फिल्म में इमरान हाशमी ने विलेन का किरदार निभाया था। सलमान और कैटरीना के साथ साथ इमरान की भी काफ़ी तारीफ हुई थी। हालांकि फिल्म के सबसे बड़े हाईलाइट पठान शाहरुख खान और ऋतिक रोशन रहे थे। दोनों ने सल्लू मियां की फिल्म में धमाकेदार कैमियो किया था।